मध्य प्रदेश के कुंडम विकास खंड के सखरी गांव में टीकाकरण न होने से गर्भवती माताएं एवं बच्चों की स्थिति हम समझते हैं। आपको टीका लगा है? नहीं लगा है। कितने महीने से नहीं लगा? मैं तो 8 महीने हो गया लेकिन टीका नहीं लगी। यहाँ नर्स आती हैं कि नहीं आती? नहीं आती। कितने दिन से नहीं आ रहा है? साल एक हो गया। इस गांव में विगत 24/9/2010 के बाद आज तक टीकाकरण नहीं हुआ है, जबकि इस गांव के लिए NM कल्पना पटेल, MPW बलदेव भवेदी है। टीकाकरण अधिकारी, प्रोग्राम मैनेजर LHV अवस्थी मैडम, इनके द्वारा 2 बार जांच हुई। जांच हुई परंतु उस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया, पर मेरा जो वीडियो रिलीज हुआ तो अधिकारी हड़बड़ा गए। हमारे जिले से जिला टीकाकरण अधिकारी, उनने भी 23 तारीख में दौरा किया था ग्राम सकरी का, और उन्होंने भी पाया था आंगनवाड़ी और गांव के लोगों से मुलाकात की। वहां एक महिलाओं का स्व सहायता समूह है, उनसे सदस्यों से मिले थे और उन सब ने बताया था कि टीकाकरण कार्य नहीं हो रहा है। तो उस फिर जिला टीकाकरण अधिकारी के आदेश पर आज 25 तारीख में हम एक विशेष टीम वहाँ टीकाकरण के लिए पहुँचा रहे हैं। यहाँ पर रजिस्टर चेक किया तो यहाँ पे 1.5 साल से टीकाकरण नहीं हुआ है, और ना NM आ रही है ना MPW आ रहे। फिर टीकाकरण अधिकारी ने यहाँ पे बोला कि यहाँ पर टीकाकरण किया जाए, तो फिर हमने बोला कि शनिवार को फ्री रहते हैं कर्मचारी, तो यहाँ पे शनिवार को टीकाकरण करने का आदेश दिया जाए। तो हमने यहाँ पे NM और MPW और LHB के साथ यहाँ पे आए हैं। 25/8/12 को टीम द्वारा टीकाकरण शुरू हुई है, तो हम इसके लिए उस पत्रकार टीम को बधाई देते हैं। उस कार्यकर्ता के खिलाफ मैंने आरोप पत्र बना कर दिया हुआ है, जिस पर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जा रही है। मैं अपने समुदाय और संबंधित अधिकारियों के सहयोग से सखरी गांव में बदलाव लाई। इस बदलाव से आसपास के गांवों में प्रभाव पड़ा है, समय पर टीकाकरण होने लगा। मेरा आत्मविश्वास समुदाय के लोग और वीडियो वॉलंटियर की टीम और अधिकारियों के सहयोग से बढ़ा है। मेरा मानना है कि मिलजुल कर कोशिश करने से बदलाव जल्दी आती है। मैं सरोज परस्ते, ग्राम दरगढ़, विकास खंड कुंडम, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।